नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। रम्या रामायणी कथा चल रही है, आपका स्वागत है। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि जब उस मेघनाद ने राम के अंग प्रत्यंग में बाण मार दिए हैं, तो राम लक्ष्मण में से पहले राम जमीन पर गिरते हैं। पपात प्रथमम रामो विद्धो मर्मसु मार्गणे ही, क्योंकि उसने भी अधिक प्रहार तो राम के ऊपर किया होगा, स्वाभाविक है। सीता के पति राम है, राम अगर रास्ते में से हट जाए तो लक्ष्मण तो बेचारा अपने आप ही हट जाएगा। क्रोधान इंद्र जीता इन्हें, पूरा शक्रो भी नहीं जीता। जिसने पहले इंद्र को जीता था, उस इंद्र जीत ने यानी मेघनाद ने जब राम के मर्मों में वो बाण मारे हैं, तो पहले राम पृथ्वी पे गिर जाते हैं। सतत्र लक्ष्मणो दृष्ट्वा निराशो जीव देववत्। जैसे ही लक्ष्मण देखा कि राम के सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं और राम बेहोश होकर के गिर गए हैं, तो जीवते अभवत निराशो, तो अपने जीवन के प्रति वो निराश हो जाते हैं। क्योंकि लक्ष्मण की कल्पना में ये चीज आती ही नहीं है कि राम के शरीर पे कोई योद्धा इतने बाण मारते कि राम उसका प्रतिकार ना कर पाए। रामम कमल पत्राक्षम सर्वबंधम परीक्षतम, इस प्रकार से बाणों से क्षत विक्षत हुए शरीर वाले राम को गिरा हुआ देख करके लक्ष्मण अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। सुसोच भ्रातरम पतितम धरणी तले हरियश्चापितम दृष्ट्वा संतापम परमंगता। इस प्रकार से राम भी पृथ्वी पे गिर गए और उनकी चिंता करते करते लक्ष्मण भी पृथ्वी पे गिर गए। और जब दोनों पृथ्वी पे गिर जाते हैं, तो पूरी वानर सेना जो है, वो सारी वानर सेना एकदम से वहां सभी जितने आसपास वानर हैं वो व्याकुल हो जाते हैं। ततो द्याम पृथ्वीम जैव वीक्षमाणा बनोकसो ददृशु संततौ बाणै भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। अब सब ध्यान से देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, क्योंकि इस बाणों की वर्षा से जब राम क्षत विक्षत हुए और वो पृथ्वी पे गिरे, लक्ष्मण क्षत विक्षत हुए वो पृथ्वी पे गिरे, उनके शरीर में से खून की धारें बह रही हैं। कहीं भी किसी भी तरीके से उनको स्वस्थ बनाने का कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। और धीरे 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 अचेष्टो मंद निश्वासो शोणितो घे परिप्लुतो सरजालाचितो स्तब्धो सयानो शरतर्पयो। शरतर्पयो यानी बाणों की सैया पे जो सो रहे हैं, अचेष्टो जो बेहोश हो गए हैं, मंद निश्वासो अब पहले की तरह जिनकी श्वास नहीं चल रही है, शोणितौ परिप्लुतौ जिनके शरीर में से खून की धारें बह रही हैं, सरजालाचितौ स्तब्धौ और बाण के जालों से जो भरे पड़े हैं, शरतल्पशायिनौ और जो इस प्रकार से सरसैया पे पड़े हुए हैं, निःश्वसन्तौ यथा सर्पौ निश्चेष्टौ मंद विक्रमौ रुद्रस्राव दिग्धांगौ तपनीया विवध्वजौ। जैसे कोई ध्वज हो और उसका दंड हट गया हो, फिर वो ध्वज कहाँ रुकेगा, ऊपर से धीरे 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 नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार से राम की श्वास टूटती जा रही है, ना अब पहले की तरह उनको सांस आ रही है, ना पहले की तरह उन्हें होश है। अब इस प्रकार से राम को और लक्ष्मण को सरसैया पे पृथ्वी पे पड़ा हुआ देख करके सभी वानर और विशेष करके विभीषण अत्यंत दुखी हो जाते हैं। अंतरिक्षम निरीक्षण तो दिशा सर्वास्य वानरा न चैनम माया छन्नम ददृशु रावणिम रणे। अब सारे वानर आकाश की तरफ देख रहे हैं कि ये जो बाण इनके शरीर में लगे, ये आए कहाँ से, है कहाँ वो इंद्रजीत। लेकिन कोई इंद्रजीत को नहीं देख पाया, लेकिन विभीषण जो है, चूंकि वो भी माया भी है, तम तु माया प्रतिच्छन्नम मायैव विभीषणा वीक्षमाणो ददर्शाते भ्रातु पुत्रम उपस्थित। अब ये महर्षि वाल्मीकि बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि मायावी इंद्रजीत को खाली अपनी माया से विभीषण ही देख पाते हैं, और इंद्रजीत कहीं दूर नहीं है, उन्हीं वानरों के बीच में वहीं पे खड़ा होकर के इस पूरे दृश्य को देख रहा है कि वाह वाह वाह, मैंने जो काम किया, मेरा काम जो है वो जो मैं करना चाहता वो कर पाया हूँ। तेजसा यशसा चैव विक्रमेण च संयुतम इंद्रजीत आत्मनः कर्मे दोषयानो समीक्षच। उसके चेहरे पे जो तेज है, उसके चेहरे पे जो आनंद है, उसके चेहरे पे जो यश की लालसा है, एक अपने पराक्रम को दिखा सकने का उसमें जो आनंद है, विभीषण को ये सारी चीजें वहां इंद्रजीत में दिखाई देती हैं। और इसके बाद वो इंद्रजीत वहां से ही कहता है अपने सभी राक्षसों को,
आवाहन करके देख लिया खरदूषण को मारने वाले महान शक्तिशाली खरदूषण के हंता जो हैं उनको मैंने इस प्रकार से मृत्यु की शैया पे सुला दिया है। वो तो यही मान लेता है, यहां इंद्रजीत ने मान लिया है कि राम लक्ष्मण दोनों की मृत्यु हो गई है। साधितो माम कही बाणे भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ नेमौ मोक्षयितुं शक्या एतस्मादि पुबन्धनात्। उसको ये मालूम है कि ये जिन नाग पास से मैंने राम और लक्ष्मण को बांधा है ये बाण इस तरीके से मारे गए हैं। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जैसे भीष्म के शरीर में सरसैया के लगे हुए बाण दिखाई देते हैं, इन बाणों को इस तरीके से मारा गया है कि शरीर के अंदर जाने के बाद वो बाण एक दूसरे को इस तरीके से काटते हैं, एक दूसरे के साथ ऐसे बिध गए हैं कि अगर आप उन बाणों को बाहर निकालते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, और नहीं निकालते हैं तो उनके विष से व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। यानी उन बाणों को किसी भी हालत में निकाला ही नहीं जा सकता है, और इस बात का विश्वास होने के कारण वो साफ कहता है कि लो मैंने जो काम करना था। बड़ा सुंदर वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने किया है, वो कहता है कि इन दोनों की वजह से मेरे पिता को रात्रि के चार चार पहर तक नींद नहीं आती थी, आज मैंने उनकी नींद का इंतजाम कर दिया है, आज के बाद उनको कभी भी इनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से बड़ी जोर जोर से वहां गर्जना करता है। इसके बाद हनुमान गवाक्ष सरप जितने वहां वानर श्रेष्ठ खड़े थे वो गिन गिन के एक एक को, नील को 10 मारे तो सुषेण को 3 मारे, जामवंत की छाती में 1 बाण मारा, और जितने लोग वहां थे चाहे वो अंगद हो चाहे वो हनुमान हो सबके शरीर में उसने खूब खींच खींच के बाण मारे, क्योंकि उसको तो कोई देख नहीं पा रहा है, वो जिसको तकता है उसको तक तक के निशाने मार मार के सभी को वहां पर उसने घायल किया। लेकिन उसको मालूम है कि इन सबको मारने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो मुख्य सूत्रधार हैं उन दोनों को मैंने उनका काम तमाम कर दिया है। और ये सोच करके वहां से अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने राक्षसों के साथ में सिंहनाद करता हुआ राम को मैंने मार दिया है इस प्रकार की घोषणा करता हुआ इंद्रजीत जो है वो लंका में प्रवेश करता है। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं प्रविवेश पुरीम लंकाम हर्ष्यन सर्व राक्षसान, सभी राक्षसों को आनंदित करता हुआ वो मेघनाद लंकापुरी में प्रवेश करता है। इधर सुग्रीव जो है इस घटना को देख करके सुग्रीवम भय माविशत अत्यंत भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि अरे भाई अगर इन लोगों को ही कुछ हो गया तो ये पूरा युद्ध ही बेकार है। लेकिन विभीषण चूंकि उसको तो लंका का लालच है राज्य प्राप्त करना है, तम वाच परित्रस्तम वानरेन्द्रम विभीषणा, उन घबराए हुए सुग्रीव से विभीषण कहता है सवास्पदानम दीनम शोक व्याकुल लोचनम अलम त्रासेन सुग्रीव वास्व वेगो निरोहितम। अरे भाई इस प्रकार से रोना नहीं, अपने आंसुओं को रोक के रखो, एवं प्रायाण युद्धानी विजयो नास्ति नैष्टिकी, अरे इस प्रकार से कभी किसी की विजय नहीं हो जाया करती है। ऐसा नहीं है कि जो कुछ हो गया इसमें हम हार गए और लंकाधिपति जीत गया है। सशेष भाग्यस्तास्माकम यद वीर भविष्यति, अरे हमारा भी तो भाग्य हमारे साथ होता है। कई बार शुरुआत में जब ऐसा लगता है कि सामने वाला जीत गया तो हाँ उसकी जीत हो जाए ये जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार से विभीषण यहां सुग्रीव को समझाने की कोशिश करता है और फिर कहता है मोह में तो प्रहास्येते महात्मानो महाबलो परिवस्थाप्यात्मानम अनाथम माम च वानर। अरे भाई आप तो वानरों के राजा हैं, इन दोनों की सुरक्षा कीजिए, यानी यहां अभी राम और लक्ष्मण की मृत्यु नहीं हुई है, आप इनकी रक्षा कीजिए और मेरी रक्षा कीजिए और इस पूरी वानर सेना की रक्षा कीजिए, अगर आप इस प्रकार से अपनी हिम्मत हार जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और फिर जो विभीषण कहते हैं वो ध्यान देने लायक बात है, सत्य धर्माभिरक्ता नाम नास्ति मृत्यु कृतम है। भाई जो धर्म का आचरण करते हैं जो सत्य का पालन करते हैं इस प्रकार से उनको मृत्यु का भय नहीं हुआ करता है। एव मुक्त्वा ततस्तस्य जल कई नैन पाणिना, ये कह करके और अपने हाथ में जल लेकर के उस जल को अभिमंत्रित करके और उस जल से विभीषण जो है सुग्रीव का मुख धुलवाता है और फिर सुग्रीव से कहता है आप ध्यान से देखिए अगर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका चेहरा
बदल जाता है, उसका चेहरा ऐसा ही नहीं रहता है। हितम राम पुरोगाणाम सैन्यानाम अनुचिंतिताम अथवा रक्षिताम रामो यावत संख्या विपर्यः। आपको दोनों काम करने हैं, अपनी सेना को भी रोकना है और राम यावत संज्ञा विपर्यः, जब तक ये होश में आए राम तब तक आपको राम को भी देखना है। लब्ध संगो ही काकुत्सु भयम नो व्यपनेश्यता। एक बार ये होश में आ जाएंगे फिर तो हमारा भय ये दूर कर पाएंगे। उतनी देर तक ही हम लोग भयभीत हैं जब तक कि ये होश में नहीं है। नैतत् किंचन रामस्य नच रामो मुमूर्षति। भाई मैं स्पष्ट शब्दों में ही देख रहा हूं कि राम की मृत्यु नहीं हुई है, वो खाली मूर्छित हुए हैं और उनकी मूर्छा जाए इतने समय तक आपको ये सब कुछ संभालना है, फिर तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। न हेनम यास्यते लक्ष्मीर दुर्लभाय आगतायुषाम। और फिर प्रमाण देते हैं कि अगर व्यक्ति मर जाता है तो उसके चेहरे पे कांति नहीं रहती है, लेकिन उनके चेहरे की कांति कहीं नहीं गई है। ये वैसे ही जैसे पहले कांतिमान शोभायमान दीप्यमान थे उसी प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। तस्माद आश्वास आत्मानम बलम चाश्वास सुखम। इसलिए खुद को भी आश्वस्त कीजिए और अपनी सेना को भी आश्वासन दीजिए कि सब लोग तैयार रहें, यहां कुछ नहीं हुआ है। यावत कार्याणि सर्वाणि पुनः संस्थापयाम्यहम् एते हि फुल्लनेना त्रासाद आगत साध्वसा। देख लो सारी वानर सेना भागने की तैयारी कर रही है। मैं कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, इन सबको रोकना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिए, मैंने युद्ध जब शुरू हुआ उसके पहले ही वीडियो में ये बात कही थी कि रावण के लिए करणीय सिर्फ इतना है कि सारे वानर जो लंका में आए हैं इनको अगर किसी प्रकार से वो भयभीत कर सकता है तो सब भाग जाएंगे, क्योंकि ये सेना जो है ये बुद्धि वाली सेना नहीं है। राम जिस सेना को लेके आए हैं ना, वो एक तरीके से राम कह दें तो मर जाए और राम कह दें तो मार डाले, इस प्रकार से वो सेना अत्यंत उत्साही सेना तो है, लेकिन ये लोग बुद्धि का काम करने का इनका काम नहीं है। अब अगर रावण किसी प्रकार से इनको भयभीत कर सकता है, और वो काम यहां पे इंद्रजीत ने कर दिया, क्योंकि राम लक्ष्मण को एक तरीके से मार दिया, और मरे हो नहीं मरे हो उसने तो घोषणा कर दी चारों तरफ आसमान में जाकर के कि मैंने राम लक्ष्मण को दोनों को मार दिया है, और उसके साथ के राक्षस गर्जनाएं कर रहे हैं, तो सभी वानर जो हैं भागने की तैयारी करने लग गए हैं। करणे करणे प्रकथिता हरे ओ हरि सत्तमा माम तु दृष्ट्वा प्रधावंतम अनेकम संप्रहर्षितम। एक दूसरे के कान में कानाफूसी करेंगे, अब क्या बचा, उनके लिए आए थे, जब वो ही मर गए तो हम लोग क्या करेंगे। और ये जो कहानी अगर शुरू हुई तो फिर इन वानरों को कोई रोक नहीं पाएगा, इसलिए आप इन सब चीजों की चिंता करो। अभी राम को कुछ नहीं हुआ है, वो खाली मूर्छित हैं, जल्दी वो उसमें आ जाएंगे। इस प्रकार से सुग्रीव को विभीषण समझाता है। आगे की कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। रम्या रामायणी कथा सुना रहा हूँ। आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों के साथ इस कथा को शेयर करें। धन्यवाद।